500 सालों तक जिंदा रहने वाले धरती के पहले संत पुरुष पानी पर चलते थे, हवा में रहते थे। अद्भुत है कहानी। धरती का वो सिद्ध पुरुष जो वायुमंडल में हवा का रुख बदल सकते हैं। बिना सिर झुकाए कोई नहीं बनता पीएम। अमेरिकी नेता आते थे बाबा के दरबार। भारत ही नहीं दुनिया के इतिहास में ऐसे संत का कभी जन्म नहीं हुआ। दावा किया जाता है कि भगवान के अलावा ऐसे किसी इंसान का जन्म धरती पर नहीं हुआ जिसने 500 साल तक जिंदा रहने का कीर्तिमान स्थापित किया। न वो साईं है न वो राम है, लेकिन धरती पर उन्हें कोई कम नहीं मानता। देवराहा बाबा की मौत के बाद भी उनका जन्म और उनका शरीर आज भी विज्ञान के लिए रहस्य है। दिल्ली से 900 किलोमीटर दूर यूपी का जिला देवरिया है। शहर से 40 किलोमीटर दूर गांव की एक कुटिया में एक संत रहते थे। उनका चमत्कारी आशीर्वाद ऐसा था कि दुनिया भर के राजा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तक उस गांव में जाते थे। देवराहा बाबा के पास कुछ तो ऐसा चमत्कार था जो धरती पर इंसान के पास नहीं हो सकता। जैसे पानी पर चलने की कहानी, अचानक प्रसाद हाथों में आने की कहानी, जानवरों की भाषा समझने की कहानी, पेड़ पौधों से बात करने की कहानी, 200 साल, 500 साल और 900 साल तक जिंदा रहने की अलग अलग कहानी। सच्चाई के लिए हमने कुछ तथ्यों को निकाला। पहला सवाल ये कि आम जन देवराहा बाबा को भगवान क्यों मानता था। हमने इस सवाल की खोज की तो पता चला उनकी चमत्कारी क्षमता से हर कोई प्रभावित था। जब उस दौर में मोबाइल और इंटरनेट नहीं था, तब विदेशी राजा और शासक यूपी के देवरिया तक पहुंच कैसे पाए। साल 1911 में विदेशी राजा और सम्राट जॉर्ज पंचम भारत आए तो वो सीधे बाबा की कुटिया में पहुंचे। सनातन सभ्यता के दायरे में देवराहा बाबा से आशीर्वाद लिया। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो या फिर इंदिरा गांधी, हर किसी ने माथा टेका। लोग कहते हैं कि बाबा के जन्म का सही इतिहास नहीं मिलता। पीढ़ी दर पीढ़ी बातें होती रही और कहानी आगे बढ़ती रही। इसलिए कुछ लोग 900 साल तक जीवित रहने की बात भी कहते हैं। लाखों करोड़ों भक्त का चढ़ावा नहीं पसंद था। उन्हें न पैसों की लालच थी न ही सोने चांदी की इच्छा। भारत में बहुत कम सिद्ध पुरुषों में एक हैं देवराहा बाबा, जिनकी जिंदगी भर की कमाई भक्त थे। न आलिशान घर बनाया न ही कोई करोड़ों का महल। कहते हैं एक बार राजीव गांधी खुद को प्राइम मिनिस्टर समझते हुए मिलने के लिए आना चाहते थे। उनकी कुटिया में जाने से पहले एक विशाल पेड़ था जिसकी टहनी सड़कों को छूती थी। अधिकारियों ने कहा कि ये पेड़ काटा जाएगा तभी काफिला जाएगा, लेकिन देवराहा बाबा ने काटने से मना करते हुए कहा, सुनो बच्चे, ये आपके लिए एक पेड़ होगा लेकिन हमारा ये साथी है, हम इस पेड़ को काटने का आदेश नहीं दे सकते। कुछ देर बाद खबर आई कि राजीव गांधी का कार्यक्रम रद्द हो गया। बाबा ने मिलने की इच्छा को ठुकरा दिया तो राजीव गांधी मुलाकात नहीं कर पाए। इंदिरा गांधी की करारी हार के बाद भी एक घटना घटी। वो सीधा बाबा के दरबार में गई। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया, पूछा पार्टी का चिन्ह क्या होना चाहिए। बाबा ने हाथ का पंजा दिखाया और उसी दिन से कांग्रेस पार्टी का निशान हाथ का पंजा हो गया। हालांकि बाद में कांग्रेस ने साधु संतों के अपमान का एक भी मुद्दा नहीं छोड़ा। सनातन सभ्यता को मिट्टी में मिलाने वाली कांग्रेस आज खुद कब्र में है। देवराहा बाबा की कहानी और मशहूर है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें अपने बचपन में देखा था। इस हिसाब से बाबा देवराहा की उम्र 200 साल के ऊपर होगी। हालांकि उनके मुताबिक इस बात के पुख्ता सबूत थे कि बाबा की आयु बहुत अधिक थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज ने तब बताया था कि उनकी कई पीढ़ियां बाबा का आशीर्वाद लेती आ रही थी। इसका सीधा मतलब था कि बाबा कई सौ साल से जीवित थे। बाबा ने जीवन भर कोई अन्न ग्रहण नहीं किया। वो यमुना का पानी पीते थे और दूध, शहद और श्रीफल के रस का सेवन कर कैसे जीवित रहते थे। एक अध्ययन के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मांड की ऊर्जा से शरीर के लिए जरूरी एनर्जी ले तो संभव है कि उसे भूख न लगे। अपना पूरा जीवन मचान पर ही बिताने वाले देवराहा बाबा की कहानी आज भी विज्ञान के लिए एक पहेली है। सवाल कि एक संत कैसे सैकड़ों साल जीवित रह सकता है। सवाल कि कैसे आंखों की रोशनी आखिर तक चमकती रहे। सवाल कैसे बिना कुछ खाए पिए स्वस्थ रहे। सवाल उनका जन्म कैसे हुआ। जन्म की भी कई कहानियां हैं। ऐसे देवराहा बाबा को ग्लोबल भारत के दर्शकों की तरफ से बारंबार प्रणाम। भारत की सभ्यता का इतिहास है बाबा। भारत संतों का देश है, इसका साक्ष्य है बाबा। साल 1990 में जब उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, तब से लेकर आज तक भक्त उनकी पूजा करते हैं। जिन्होंने अपना गुरु देवराहा बाबा को बनाया, वो कभी असफल नहीं रहा। एक ऐसे सिद्ध संत की जिनको पीएम मोदी फोन कर आशीर्वाद लेते हैं। मिर्जापुर वेब सीरीज में गुड्डू पंडित का भौकाल दिखाया गया, लेकिन स्वामी अड़गड़ानंद की कहानी नहीं। इसीलिए बने रहिए ग्लोबल भारत के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।